शहर में चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर के द्वारा शहर के सभी थानों को उक्त घटनाओं की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिलने पर नकबजनी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर उससे लाखों रुपए की चोरी का माल बरामद करने की सफलता हासिल की है। 24 और 25 जुलाई की दरमियान रात में अज्ञात चोरों ने हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत स्कीम 113 में स्थित स्पेक्ट्रल ऑडियो स्टूडियो का ताला तोड़कर रखा लगभग 10 लाख का साउंड सिस्टम सामान चोरी कर लिया था। पुलिस प्रकरण दर्ज करने पर आरोपियों की तलाश की गई। घटना में 3 दिन के अंदर ही अज्ञात आरोपियों का पता लगाने पर उन्हें गिरफ्तार कर चोरी किया गया, 10 लाख का सामान जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपी संजू उर्फ धीरज पिता अभ्यास रघुवंशी उम्र 18 वर्ष निवास मेघदूत नगर इंदौर तथा हर्ष पिता सुरेश सिसोदिया उम्र 19 वर्ष निवास जिनेश्वर स्कूल के पास सुखलिया रोड इंदौर सहित तीनों नाबालिग आरोपियों के अन्य घटनाओं के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। आरोपी संजीव रघुवंशी के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट, अवैध शस्त्र रखने जैसे करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। 24 तारीख की रात में हीरानगर क्षेत्र में एक नकबजनी हुई थी, जिसमें एक ऑडियो स्टूडियो था जिसका नाम स्पेक्ट्रल ऑडियो स्टूडियो था, जहाँ पे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किया करते थे। वहाँ बड़ी चोरी हुई थी और वहाँ से करीब 10 लाख का मशरू का चोरी हो गया था। इसमें बड़ी मेहनत से CSP नेहित उपाध्याय और TI हीरानगर श्री राजीव भदौरिया ने बहुत मेहनत करके 3-4 दिनों में ही पूरा माल रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये जो आरोपी है, इसमें से 3 नाबालिग हैं, 2 बालिग हैं और इनका पूर्व रिकॉर्ड देखा जा रहा है और अगर इनका पहले की किसी मामलों में भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनके द्वारा जो TI राजीव भदौरिया और CSP निहित उपाध्याय के द्वारा जो तत्परतापूर्वक इसमें तलाश करके और रिकवरी की गई, आरोपियों को पकड़ा गया है, ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। नहीं तो ये इंदौर में ये गैंग एक बार चालू हो जाता तो पता नहीं कितनी नकबजनी और कितनी चोरियाँ करता। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं इनको, इनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करता हूँ। सर, स्टूडियो को निशाना बनाया क्या, उनको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहीं देखना था, ये ट्रैक कैसे हुआ? ये ट्रैक तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पुलिस जब भी कोई ऐसी नकबजनी या चोरी होती है तो मुखबिरों का जाल बिछाती है और अपने मुखबिरों को सक्रिय करती है, सभी जगह पतासाजी करते हैं, इस तरह का माल जो खरीदने बेचने वाले होते हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करते हैं। इसी संपर्क क्रम में ये सूचना मिली थी कि इनके द्वारा किया गया है, इनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना कबूल किया। अब ये सब देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, म्यूजिक लवर था या उन्होंने सिर्फ इजी चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चोरी की थी, और इसमें वो तो कुल मिलाकर के माल बेच करके और अपना लाभ करने के लिए ही उन्होंने चोरी की थी, इससे कोई म्यूजिक लवर वाली बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।